वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है शिवर्स एंड शुद्धर्स टीवी पर। मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ और दिल दहला देने वाले पैरानॉर्मल घटनाएं। तो चलते हैं वीडियो पर। नंबर 4, द होबो हिल। एक कपल जो कि अपने जेफरसन सिटी मिसौरी के घर से शिफ्ट हो गए थे, ये भरोसा होने के बाद कि उनका घर कम से कम 100 आत्माओं से भरा है, उन्होंने अपना घर एयरबीएनबी पर रेंट के लिए दे दिया। अक्टूबर 2017 में एरन और एरिन क्लार्क ने 5000 स्क्वायर फीट का घर खरीदा, जिसे होबो हिल कहा गया। कुछ महीने बाद ही इन्होंने घर में बिना कारण आवाजें आनी शुरू हो गई। कदमों की आहट और परछाई जैसी आकृतियां दिखने लगी। प्रति रात्रि 11:15 बजे एरन को एटिक में वही आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई भारी बॉक्स गिराकर उसे खींच रहा हो। एरन और एरिन की बेटी जो तब 7 साल की थी, उसने नींद में चलना शुरू कर दिया था। उसने अपने आप थोड़ा लंगड़ाकर और टिल्टेड सिर के साथ चलना शुरू कर दिया और अलग अलग भाषा में बात करती थी। एरन कहते हैं कि एक रात उन्होंने उसे उसके बेडरूम की खिड़की पर रोते हुए पाया। जब वो उसे पास गए और उसके रोने का कारण पूछा, तो उसने एरन के तरफ अपना सिर मोड़ दिया, मानो उसमें किसी की आत्मा आ गई हो। घर में एक अग्रेसिव एनर्जी थी, यहां तक कि परिवार का पालतू कुत्ता पिटबुल, जो कि एक खतरनाक ब्रीड का माना जाता है, वो भी सीढ़ियों के पास नहीं जाना चाहता था। एरन कहते हैं कि हर बार जब वो बेसमेंट में जाता था, तो उसे ऐसा लगता था मानो कोई उसकी पीठ पर कूद रहा हो, और वो लोग जो उनके एटिक में जाते थे, उन्होंने अपनी कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस किया। कपल ने दावा किया कि सीढ़ी के पास उन्हें एक सूट और एक टॉल हैट पहने हुए एक आदमी को अक्सर देखा। वो उसे आंखों के कोने से देखते और फिर वो गायब हो जाता। उन्हें अपने घर को शुद्ध करने की बड़ी इच्छा थी। वो किसी प्रीस्ट से होली वाटर के लिए कंसल्ट करना चाहते थे और उन्होंने कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को भी हायर किया, जिन्होंने ये दावा किया कि घर में 100 से भी ज्यादा आत्माएं हैं। 7 महीने तक ये सब चलते रहा। उसके परिवार से और सहन नहीं हुआ। किसी अन्य परिवार को ये परेशानी ना हो, इसलिए अब वह जोड़ी इस संपत्ति को इवोल्व के माध्यम से किराए पर दे रहे हैं, जो एयरबीएनबी और अन्य वेबसाइटों पर घर को लिस्ट करता है, जो बहादुर और एडवेंचरवर्स को आकर्षित करता है। टूरिस्ट्स यह शैडो पीपल और आत्माएं को देख चुके हैं। एक ग्रुप रात में इतना डर गए कि मिडनाइट पर ही बाहर जाने का फैसला किया। अब परिवार एक नए घर में शांति से रह रहे हैं और इस हॉन्टेड घर में बहुत कम आते हैं। केवल एरिन की मां, जो केयरटेकर हैं, वो यह आती है। वो दावा करती हैं कि एक अदृश्य फोर्स ने उसे एक सीढ़ी से नीचे गिरा दिया था जब वह पेंट कर रही थी और साफ सफाई कर रही थी, और उसने अटिक में कदमों की आहट सुनी। एरन की बेटी इस घर को भूतिया घर कहती है। नंबर 3, द घोस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड मिलफोर्ड रोड। जब ब्रैड कल्प ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मायामी ओहियो में छात्र थे, उनको एक अफवाह सुनने को मिली कि यह टाउन अमेरिका की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। जब कल्प ने ओएन कैंपस अपनी मैगजीन शुरू की, उन्हें कई स्थानों के प्रसिद्ध भूतों के बारे में लिखने का मौका मिला। पर कहानी प्रकाशित होने के बाद उनके मन में एक भूत के बारे में ख्याल आने लगा, ऑक्सफोर्ड मिलफोर्ड रोड के भूत का। कहानी यह है कि कई दशक पहले, संभवतः 1940 में, एक युवक ने ऑक्सफोर्ड के गांवीय हिस्से में एक युवा महिला को चोरी चुपके से पसंद करना शुरू किया। क्योंकि महिला के माता पिता उनके रिश्ते से असंतुष्ट थे, हर रात वह अंधेरे में आकर उससे मुलाकात करती थी। जब महिला के माता पिता सो जाते, तो युवा महिला अपने फार्म हाउस से बाहर निकलकर अपने माता पिता की कार की हेडलाइट्स को 3 बार झलकाती। तब उसका युवा प्रेमी अपनी मोटरसाइकिल से सड़क पर चलने लगता और उससे मिलने आता। एक रात उसने अपनी घर के पहले मोड़ पर अपनी बाइक गलत ढंग से मोड़ी। मोटरसाइकिल एक तरफ गई, वह दूसरी तरफ गया। उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह नहीं बच सका। अफवाह है कि उसका प्रेम भरा भूत अब भी मिलफोर्ड रोड की स्ट्रेच में आता जाता है। उत्सुक होकर कल्प, उसकी गर्लफ्रेंड और एक दोस्त ने एक रात वहां जाने का फैसला किया कि क्या वे इस कहानी को सत्य साबित कर सकते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड को डर था कि वो बहुत बुरी तरह से डर जाएगी, पर कल्प को ज्यादा चिंता थी कि उनका संदेह कि यह सब वास्तव में सच नहीं है, कि पुष्टि हो जाएगी। इस खास रात में कल्प को पुराने खेत के पास पहुंचते ही एक विचार आया और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को उसे सुझाया। हालांकि अनिच्छुक होकर उसने सहमति दी और कल्प ने खेत के मकान के ड्राइववे में थोड़ी सी दूर जाने का फैसला किया। उसने इंजन बंद किया और अपनी हेडलाइट्स 3 बार झलकाईं। उसके बाद जो हुआ वो देखकर हर कोई सहम गया। सड़क के 3/4 मील दूर एक एक सिंगल हेडलाइट दिखाई दी
सबने उसे आने की शुरुआत करते हुए देखा, जो बहुत धीमी गति से चल रही थी। वह आ रही थी और बस आ रही थी। कल्प की गर्लफ्रेंड पूरी तरह से घबरा गई थी। वह लाइट और भी करीब आ रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि वो आकर कार को थोक देगा। तभी कल्प ने हेडलाइट ऑन कर दी, ये आशा करते हुए कि जरूर कोई छोटा बच्चा होगा जो उनके साथ मजाक कर रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां कोई भी नहीं था। वो लाइट बस गायब हो चुकी थी। वे गाड़ी से बाहर निकले। वे चक्कर लगाते रहे, समझने की कोशिश करते हुए कि उन्हें दिखाई देने वाली चीज क्या हो सकती है। कल्प कहते हैं कि आज तक हम उस रात के बारे में बात करते रहते हैं। मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं समझ नहीं सकता। अगर आप उसे और उसकी पत्नी को किसी जगह कैंप फायर में बैठा दें तो वे बड़े यकीन से कहेंगे कि कहानी सच है। नंबर दो, द घोस्ट ऑफ ला पारवा स्की रिजॉर्ट। लैटिन अमेरिका में आपको ला लियोरोना की कहानी के विभिन्न रूप सुनने को मिलेंगे, जिसे रोती हुई महिला का किस्सा कहा जाता है। कभी कभी उसके पति की मौत हो जाती है, कभी उसके बच्चों की मौत होती है, कभी कभी दोनों होते हैं। लेकिन चिली की एंडीज में स्थित ला पारवा एक स्की स्थल पर रोती हुई महिला का नाम लोला है, और इस क्षेत्र के सभी लोग कहते हैं कि वे उसे उसकी मौत से पहले जानते थे। स्थानीय रेस्तरां के मालिक ने कहा कि उसने उसके साथ डेट किया था। प्रो स्कीयर ड्रू टैप के कहते हैं कि स्की पेट्रोलर ने उन्हें एक कहानी सुनाई थी। उसने उन्हें उस कहानी की सटीक झोंपड़ी की ओर इशारा किया था जहां यह कहानी घटित हुई थी। कहानी एक अच्छे दिन पर शुरू होती है, जब स्की का शिखर मौसम चल रहा था। लोला और उसके छोटे बेटे ने दिन स्लोप्स पर बिताने का प्लान बनाया था। जैसा कि एंडीज में हो सकता है, घाटी से एक मोटा कोहरा उठाया, जो अक्सर एक असली तूफान के आगमन के पूर्व घटित होता है। बादलों ने उन दोनों को घेर लिया जब वे पहाड़ी के शीर्ष से नीचे उतर रहे थे, और उन्होंने एक दूसरे से संपर्क खो दिया। अपने बेटे को ढूंढने के लिए बेहद बेकरार होकर लोला मोटे कोहरे में उसका नाम चीखने लगी। हालांकि कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और उसने एक तीखी ढलान पर नीचे गिरना शुरू किया और एक चट्टानों से भरे कुलवार की ओर स्लाइड करने लगी। किस्मत से स्थानीय रोपवे ऑपरेटर ने उसके शरीर को पाया जब वह अपने केबिन की ओर लौट रहा था। उसे डर था कि कहीं वह मृत ना हो गई हो, लेकिन नजदीक से जांच करने पर उसने पाया कि वह अब भी जिंदा थी। उसका शरीर तीखी चट्टानों के वार से पूरी तरह चोटिल था, और उसने केवल धीरे से फुसफुसाते हुए उसके बेटे का नाम बोला था। रोपवे ऑपरेटर ने ध्यान से उसके शरीर को अपने केबिन तक खींचने का काम किया, जो कि थोड़ी ही दूर था। उसने उसकी चोटों पर थोड़ी बहुत मरहम पट्टी की और फिर डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ लगाई। कुछ देर बाद डॉक्टर और रोपवे ऑपरेटर उसके केबिन की ओर बढ़े। जब वे पहुंचे तो बिस्तर खाली था। वो महिला वहां से गायब हो चुकी थी। केवल खूनी चादरें ही बची थीं। न तो उस महिला का कभी पता लगा, न ही उसके बेटे का। लेकिन स्थानीय लोग जब उस रोपवे ऑपरेटर के केबिन के पास जाते हैं तो उन्हें उसके बच्चे के लिए रोती हुई महिला की आवाज सुनाई देती है। इस तरह से लीजेंड ऑफ ला पारवा की कहानी प्रसिद्ध हुई। नंबर ए, हगिन मॉली द वुमन इन ब्लैक ऑम्फ अलाबामा। अलाबामा के एक छोटे से गांव में रात के समय एक बड़ी डरावनी चीज गलियों में घूम रही है और गांव के बच्चों का पीछा कर रही है। काले कपड़े पहने हुई भयंकर आभास हगिन मॉली अब तक भटक रही है। पहले लोग अक्सर कहते थे कि बच्चों को सूर्यास्त के बाद घर में होना चाहिए, क्योंकि रात के साए में क्या छिपा है किसको नहीं पता। लेकिन दक्षिण अलाबामा के एबिविल के लोगों को अंधेरे में छुपे उस साए के बारे में बहुत साफ कल्पना है, जो गलियों में झाड़ियों के पीछे और अंधेरे कोनों में छिपा है। अलाबामा के एबिविल के बच्चों को कई बार सूर्यास्त के बाद घर में रहने की चेतावनी दी गई है। अगर नहीं तो उन्हें सड़कों पर हगिन मॉली के नाम से पुकारी जाने वाली एक एंटिटी से सामना करना पड़ सकता है। हगिन मॉली के स्थानीय किस्से में यह कहा गया है कि एक लंबे आकार की चीज लगभग 7 फीट ऊंची एबिविल की सड़कों पर चलने लगी, पीड़ितों की तलाश में, अधिकांश बच्चों की। उसके पास किसी नाम का कोई अर्थ नहीं था। जो लोगों ने उसे पुकारना शुरू किया, बस वही रह गया। उसका कोई भी चेहरा नहीं है और कोई नहीं जानता कि वह बच्चों का पीछा क्यों कर रही है। उसका वायक्तित्व मानो किसी चुड़ैल से मिलता जुलता हो, हालांकि उसका व्यवहार वैसा कुछ भी नहीं है। हगिन मॉली एक काले लिबास में घूमने वाली औरत या कोई छाया है, जिसका चेहरा भी कला है, और वो काली हैट पहनती है। स्ट्रीट लाइट में भी जिसे पहचाना नहीं जा सका। वो अपने शिकार को पकड़कर, खासकर बच्चों को, उनको गले लगती है और जोर से उनके कानों में चीखती है। हगिन मॉली कहलाने वाले की कहानी कुछ इस प्रकार है कि वह बहुत समय पहले एबिविल में रहने वाली एक महिला थी। उसने अपने बच्चे को खो दिया था।
जो एक मां का सबसे बड़ा डर होता है। उसका दुख बहुत अधिक था जिसने उसको पागल बना दिया। उसने रातों में घूमना शुरू किया और स्थानीय बच्चों का पीछा करने लगी, अपने बच्चे की मौत की प्रतिपूर्ति करने के लिए। किस्से के कुछ और अनुभवों में ऐसा सामने आता है कि वह एक महिला थी जिसकी उसी सड़क पर हत्या की गई थी, जिस पर वह अब भटक रही है और कुछ काम पूरा करने की कोशिश कर रही है। शायद उसकी हत्या सूर्यास्त के बाद हुई थी और उसके बाद उसके बच्चों के देखभाल के लिए कोई नहीं था, और शायद अब वह बच्चों की देखभाल कर रही है। शायद वास्तविक किस्से का सबसे सटीक संस्करण यह है कि वह किसी जगह प्रोफेसर थी जो कभी अलाबामा कृषि विद्यालय था, जैसे कि कहानी के कुछ रूपों में सुझावित किया गया है। इन संस्करणों में यह पता चलता है कि उसका उद्देश्य केवल बुरी दृष्टियों से बच्चों की सुरक्षा करने का है, उन्हें रात के समय सड़कों से बाहर ले जाने का। या शायद यह भी हो सकता है कि उस सड़क में बच्चों का पीछा करने वाला कोई भूत नहीं था, बल्कि कोई व्यक्ति हो जो अंधेरे में बच्चों को डराने और गले लगाने के लिए निकलता हो। किसी भी प्रकार से यह एक भूत जो केवल गले लगाना चाहता है उससे ज्यादा भयानक लगता है, क्योंकि आज के जमाने में भूत से ज्यादा डर तो इंसान से ही है। आप लोगों को क्या लगता है हगिन मौली क्या हो सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दे। अगले वीडियो में मैं वापस आपके लिए ऐसे ही कुछ और राज से भरे रियल स्टोरीज लेके आऊंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं।